जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? कौन जो है नक्सीरें निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज है आज मोदी के आगे? लेट गए हैं, मैंने लेटने वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन अब इस्तेमाल हो गया है। क्यों जो है इस तरह से वाई स्टूपिंग सो लो इन फ्रंट ऑफ इंडिया? क्यों सदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का? क्यों बेच रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत को? उसने इतराफ किया हुआ अपने जुर्म का, उसको सजा दी गई है। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है आज? सर ये एक दहशतगर्द जिसने हमारे वतन में दहशतगर्दी का बाकायदा मंसूबा बाकायदा इतराफ किया हुआ है, हमारे हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की हुई है, आज क्या बात हो गई है कि हम बाकायदा कानून बना के उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, हमें ताने किए दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीस कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है? अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशत गर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों फसिलिटेट, उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? जनाब आला ये वी हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस लॉ। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में दहशतगर्दी जिसका तकरीबन खात्मा हुआ हुआ है और हिंदुस्तान जो है जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है, हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? व्हाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है मोदी का? कौन यार है आज बताया जाए कि हम तो चले गए, हम तो आज इख्तदार में है, कौन जो है नक्सीरें निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज है आज मोदी के आगे? लेट गए हैं, मैंने लेटने वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन अब इस्तेमाल हो गया है। जनाबे चेयरमैन ये इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है ये लेजिस्लेशन जो है, ये पाकिस्तान के वतन अजीज के वकार के खिलाफ है। क्या कंसेशन आपको दिया है उन्होंने? बताया जाए क्या कंसेशन दिया है? हमें तो बड़े ताने दिए जाते थे, आज ये हुकूमत बताए, प्राइम मिनिस्टर बताए कि क्यों जो है इस तरह से वाई स्टूपिंग सो लो इन फ्रंट ऑफ इंडिया? क्यों सदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का? क्यों बेच रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत को? जनाबाला दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसने इतराफ किया हुआ अपने जुर्म का, वो सजावार है, उसको सजा दी गई है। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है आज? जनाबे आला, जनाबे चेयरमैन, मैं शुक्रगुजार हूं आपने मुझे टाइम दिया है, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड अपोजिशन, और हम जो है सारी अपोजिशन मिलकर इसके ऊपर जो है ना, प्लीज